प्रभु, मैंने कल रात को जेठिया को नाथूराम को बाप में फोन करने के लिए बोला था, उसने किया भी नहीं। मैं बुलाती हूँ बाबूजी, मैं बुलाती हूँ। प्रणाम बापूजी। प्रणाम दयाजी। प्रणाम मेरे बाल गोपाल टपू जी। बोलिए, मैं आप सबकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप सब जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा। पापा, तो मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। चलेगा। अरे क्या चलेगा चलेगा, टपू स्कूल नहीं जाएगा तो पूरा दिन सोसाइटी में क्रिकेट खेलकर रुपया बचाएगा। चलेगा। हाँ? अरे क्या चलेगा चलेगा, टपू स्कूल जाएगा। चलेगा 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 लगा रखा है जेठिया, ये तुझे क्या हो गया है? अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। हैं? ये सुबह सुबह बाकी गोली खा रखी है क्या? खाई तो नहीं बापूजी, आप कहते हैं तो खा लेता हूँ। दया जी, भांग की गोली दीजिए। मैं कहाँ से लाऊं भांग की गोली? पूरा दिन कहते रहते मैं करते मैं वो करती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ बापूजी। हाँ समझा, अब समझा। ये है नाइस, ये सब इसके नाटक है, नाटक। ये है ना, टप्पू को बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहता है ना इसलिए। लेकिन सुन ले जेठिया, कान खोल के सुन ले, ये मैं तुझे दोबारा बोल रहा हूँ कि टप्पू कहीं नहीं जाएगा। चलेगा। बापूजी, इनको क्या हो गया है? सुबह से गाय की तरह सर हिला हिला कर चलेगा चलेगा ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, ये तो मैंने कल उसे डांटा था ना, इसलिए सुधर गया है ना जेठा? क्यों, तुझे तेरी गलतियाँ समझ में आ गई ना? चलेगा। सुनिए टप्पू के पापा। बोलिए दया जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अगर आप सुधर ही गए हो तो मेरे साथ आप साड़ियाँ लेने चलोगे? चलूंगा, ऐसा होगा आप कहेगी तो मैं अपने लिए भी दो तीन साड़ियाँ ले लूंगा। अरे जेठिया, अरे दीजिए ना बापू जी, अगर ये साड़ी लेंगे तो मुझे मिलेगी ना।